एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास टेंथ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। आपको ये बताना है कि थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल, कितने थ्री डिजिट ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले देखो, थ्री डिजिट नंबर आपके शुरू होते कहाँ से है, थ्री डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, थ्री डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100, 100 में 1, 2, 3 डिजिट, और कहाँ तक चलेंगे आपके 999, कहाँ तक चलेंगे 100 up to 999 तक आपके थ्री डिजिट नंबर होते हैं। अब हमें पता लगाना है कि इसमें कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एपी सीरीज तो पता होनी चाहिए। तो एपी सीरीज में हमें नंबर, लेकिन एपी सीरीज में हम नंबर कौन से लेने हैं, थ्री डिजिट नंबर लेने हैं और जो 7 से डिवाइड हो, थ्री डिजिट नंबर लेने हैं और 7 से। तो इट मीन्स मान लो आपको फर्स्ट 2 नंबर पता हो और एक लास्ट का नंबर पता हो, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। फर्स्ट 2 नंबर आपको पता होना चाहिए, और मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स पता होनी चाहिए आपको और एक लास्ट टर्म। अगर ये भी आपको पता चल जाते तो आप निकाल सकते हो कितने नंबर। तो सबसे पहले देखो, अगर 100 को मैं 7 से डिवाइड करूं, 100 को क्या करते हैं 7 से डिवाइड, 7 वन जा 7, 7 फोर जा 28। तो यहां से देखो, अभी इस 100 में से जो 100 था उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, अपना रिमाइंडर कितना है 2। इट मीन्स जो आपका 98 है वो क्या है, हमारा डिवाइड है किसे, 7 से। इट मीन्स 98 नंबर हमारा 7 से डिवाइड है, बट 98 हमें लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 98 हमारा एक 2 डिजिट नंबर। लेकिन अगर हम 98 में, अब हमें डिवाइड किससे करना है, 7 से, जिससे डिवाइड करना वो ही नंबर हम ऐड करते जाए। सो 105, जो आपका 105 होगा बाकी वो क्या होगा, आपका डिवाइड होगा किससे, 7 से। इट मीन्स आपके पास जो फर्स्ट जो 105 क्या बनेगा, तो यहाँ से लिखो कि आपके पास जो नंबर सीरीज बनेगी वो क्या बनेगा, 105। अब हम क्या करते हैं, 105, देखो 98 में हमने 7 ऐड किया, 105 में फिर हम 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 112, वो भी क्या होगा, 7 से डिवाइड। जिससे भी हमें डिवाइड करना था वही नंबर हम अपने नेक्स्ट नंबर में ऐड करते। हमने 7 को 100 से डिवाइड किया, कितना आया, 100 आया था, जिसमें 100 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, हमें कितना रिमाइंडर बच गया, 2। अब हमने 100 में से जब 2 को माइनस कर दिया तो 98 है। अब 98 हमारा 7 से डिवाइड है, लेकिन 98 हमें नहीं लेना, क्योंकि 98 हमारा कैसा नंबर है, एक 2 डिजिट नंबर है। अब 98 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो 105, 105 में अब हम फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, 7 नंबर ऐड, कितना आएगा, 112। अब 112 में फिर हम क्या करेंगे तो कितना आएगा, 109। तो ये आपके पास एक एपी बनेगी। अब लेकिन हमें लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए, मैंने कहा था आपको फर्स्ट 2 और लास्ट, और लास्ट टर्म देखो कैसे पता चलेगी आपको, मैंने बोला था कि लास्ट देखो 1000 होता है, 1000 को डिवाइड कर लो किससे, 7 से, 7 को से करो 1000, तो 7 बन जा 73, 7 फोर जा 28, 7 टू जा 14। इट मीन्स यहाँ से क्या हो गया आपके पास कि हमें क्या माइनस करना है, 1000 में से जो रिमाइंडर आया उसको माइनस करेंगे, माइनस का सिर्फ 994। इस माइनस 6 रिमूव करने का, रिमाइंडर को रिमूव करने का फायदा क्या है कि अगर हमारे पास, अगर हम माइनस 6 रिमाइंडर बचा है ना, अगर इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं और इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आएगा, 7 का जब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इट मीन्स हमारे पास लास्ट टर्म कौन सी होगी, 994। लास्ट टर्म कौन सी होगी, 994। तो हमें क्या कर लेना, 7 से डिवाइड कर लेना, जो रिमाइंडर आया उसमें से 1000 में से माइनस कर देंगे। तो आपको देखो यहाँ से ए पता चल गया, 105 है। डी कितना हो जाएगा आपके पास, 112 माइनस 105 कितना हो जाएगा, 7। और आपके पास ए एन गीवन, यानी कि लास्ट आपके पास गीवन है 994 लास्ट। आपको एन निकालनी है ना, तो निकालो फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन गीवन है 994, ए गिवन है 105, प्लस एन आपको निकालना है और डी आपके पास गिवन है 7। सो 994 इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 105 इज इक्वल टू 7n माइनस 7, इसमें से करो कितना आएगा, तो पहले इधर भी ले आओ इसको भी, 994 माइनस 105 इधर आके प्लस का हो जाएगा 7 और 7n। अब देखो कितना आएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो पहले 994 में 7 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 1001।
1000 में से 994 को क्या कर दोगे, माइनस कितना आएगा, 11 में से 4 जाएंगे तो 11, 9 में से 9 जाएंगे 0 और 10 में से 9 जाएंगे तो 1, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 896, इस आपका 128 A की वैल्यू, ठीक है। देखो A की वैल्यू हमारे पास 994 गिवन, सॉरी A हमारे पास 994 है, A 105 है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो अच्छा ये 105 है, तो 1001 में से हम क्या करेंगे 105, तो कितना आएगा 11 में से 5 जाएंगे तो 6 और 9 ये कितना आ जाएगा 8, मतलब कितना आ गया 896 इज इक्वल टू 7 एंड सो n इज इक्वल टू 896 अपॉन में 7, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 8 जा 56, मीन्स यहाँ से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 100, एक तो थ्री डिजिट नंबर 100 है, एक लास्ट नंबर हमारा 999 है, 7 से डिवाइड करेंगे फिर हमारा क्या आएगा 98 में 7 ऐड करेंगे, फिर हर नेक्स्ट नंबर में हम 7 ऐड करते जाएंगे वहां से, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट नंबर 9, लास्ट नंबर निकाले तो लास्ट 1000 को डिवाइड करेंगे 7 से, माइनस 6 करेंगे 994 आएगा। अब हमें यहाँ से an पता चल गया, a पता चल गया, d पता चल गया, n निकाल ले तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है आपका सेवंथ क्वेश्चन है कि फाइंड द इलेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, कितने गिवन है 10, 7, 4 एंड -62, 10, 7, 4 एंड -62। अच्छा मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो करवाया था, मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास लास्ट टर्म आए तो लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं एल से, किससे डिनोट करते हैं एल से, मीन्स यहाँ से आपके पास देखो क्या क्या गिवन है, हमारे पास ए है 10, डी है 7 माइनस 10 माइनस के 3 एंड हमारे पास है एल -62। इसने कहा फाइंड द 11 टर्म फॉर द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी हो गई माइनस के 62। हमने बताया था लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, हम एल से डिनोट करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ से देखो नव nth टर्म फ्रॉम द एंड, एक फॉर्मूला और होता है आपके पास, नव nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, इट मीन्स अगर आपको nth टर्म निकालने हो किसे लास्ट टर्म से निकाले तो उसके लिए फॉर्मूला होता है l प्लस l माइनस, सॉरी l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है अगर आपको nth टर्म निकालने हो किसे लास्ट टर्म से, सो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो l कितना है आपका -62, माइनस n आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी यहाँ से देखो ये होता है आपके पास, सबसे पहले इसको फॉर्मूला होता है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से अगर मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि a पता है, हमें d पता है और l पता है, अब हमें nth मतलब कौन सी टर्म, ये इसका मतलब ये नहीं हमें कौन सी टर्म निकालनी है, nth टर्म मीन्स 11th टर्म, कौन सी nth टर्म का है 11th टर्म, मीन्स n की वैल्यू कितनी है 11th टर्म है, सो हम लिखेंगे 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो 11 टर्म निकालो फ्रॉम लास्ट टर्म से, 11 मीन्स n की वैल्यू कितनी आएगी 11, तो फॉर्मूला में पुट करो l कितना है -62 माइनस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 3, सो -62 माइनस में 10 इंटू में माइनस के 3 कितना आएगा -62 माइनस माइनस प्लस के 32, कितना आएगा यहाँ से ये 55, 62 में से 30 जाएंगे तो
कितना आएगा 62 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, कितना आएगा माइनस के 32। इट मीन्स आपके पास जो 11th टर्म आएगी वो कितनी आएगी माइनस के 32। तो आपके पास नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का, आपको खुद करना है। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन आपका, नाइन्थ है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 7। देखो इसमें गाया क्वेश्चन नंबर 9 में कि एपी कंसिस्ट ऑफ 9 टर्म 60 टर्म। एपी कितनी टर्म्स कंसिस्ट कर रही है 60 टर्म्स, मतलब उसके पास एन कितना है, एन की वैल्यू गिवन है कितनी टर्म है 60 टर्म, मीन्स उसके पास एन तो गिवन है हमारे पास की एन 60 है। अब उसने कहा फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, अब इसने कहा इफ, अब हमारे पास गिवन है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, और क्या गिवन है हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है 7 एंड 125। आपको निकाला है देन फाइंड इट्स 32th टर्म, देन फाइंड 32th टर्म। तो देखो यहां से हमारे पास क्या क्या गिवन हो गया भाई, एक एपी है वो कंसिस्ट करे 60 टर्म, टोटल टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 60, इट मीन्स हमारे पास एन कितना हो गया 60। अब उसने कहा फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मीन्स ए हमारे पास कितना है 7, और कहा इसमें लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मीन्स अब आपके पास क्या हो गया ए 60, लास्ट टर्म तो 60 है इट मीन्स हमारे पास ए 60 कितना हो गया, ए 60 कितना गिवन है 125। और मैंने आपको बताया जब भी हमारे पास इस टाइप का कन्वर्ट इस टाइप की दिया हो तो हमें किसमें कन्वर्ट करना हो तो उसको ए और डी में, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ए प्लस 59d इज इक्वल टू 125। ए की वैल्यू 7 प्लस 59 इनटू डी इज इक्वल टू 125, सो 59d इज इक्वल टू 125 माइनस 7, सो 59d इज इक्वल टू 15 में से 7 जाएंगे तो 8 और 118। अब इसको डिवाइड करेंगे 118 अपॉन में 59, 29 जाए 18, 25 से 10 और 11 किस से चला गया 2 से, इट मीन्स आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बताया था 32 निकाल लिया हमें, 32 ए 32 कैसे लिख सकते हैं इसको, ए प्लस 31d, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 प्लस 31, डी की वैल्यू आई है 2, सो 7 प्लस 2 बन जाए 2 कितना आ जाएगा 69, यानी कि ए 32 हमारे पास कितना आ गया 69। तो यही आप 69 है हमें फाइंड आउट करना था, तो आज के लिए इतना ही, थैंक।